राजधानी भोपाल में नए साल 2022 के जश्न पर कोरोना का पहरा मंडरा रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आम जनता से मेरी यही अपील है कि रात 11 बजे के कर्फ्यू से पहले अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि 11 बजे के बाद जो भी जश्न मनाता पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाहर जब भी निकले मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करें। मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा सबसे मजबूत हथियार कोरोना के अगेंस्ट हमारा वैक्सीनेशन है। सभी लोग अपनी दोनों डोजेज लगाना सुनिश्चित करें और साथ ही हर्ष का विषय ये है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे सभी बच्चे ऑलरेडी काफ़ी संवेदनशील जागरूक हैं और उनके माता पिता से भी अनुरोध है कि बच्चों को प्रेरित करें और सभी लोगों को वैक्सीनेट करा के नव वर्ष में सुरक्षित करें। सर, होटल रेस्टोरेंट अगर 11 बजे के बाद खुलते हैं या फिर कोई बाहर दिखाई देता तो किस तरीके से कार्रवाई की जाए? यदि धारा 144 का उल्लंघन किसी भी प्रकार से पाया जाता है, चाहे उसमें मास्क ना लगाने का विषय हो या 11 बजे के बाद किसी प्रकार के ऐसे कृत्य का विषय हो, तो उसमें धारा 188 के तहत लीगल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, होता ही है कि लाइन बंद हो जाती है लेकिन अंदर प्रोग्राम चलता है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो टीम्स हैं, हमारी पुलिस की टीम्स, सभी लोग पूरी तरह से सजग हैं, सचेत हैं, सभी लोग गश्त पे रहेंगे। यदि कहीं भी ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।